हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद, आपका इन्फो दोस्त, आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये पार्ट टू वीडियो है और इस वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2020 में पूछे गए थे। उन सारे क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूं। और मैंने जो पार्ट वन वीडियो बनाया है, उस वीडियो में मैंने कटअप के बारे में बात की है कि क्या कटअप हो सकता है इस बार, तो उस वीडियो को आप जाकर देखना। और उसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए रखे हैं और उन क्वेश्चंस को ज़रूर आप देखना, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आए थे और क्या उसका सही आंसर होगा और उसका वो आंसर आखिर क्यों होगा, और भी क्या क्या नए नए बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ पा रहा है तो आप नेक्स्ट बार की तैयारी के लिए आपकी ये वीडियो अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, पूरा लास्ट तक देखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था OCLC से, ठीक है। तो OCLC रिलीज वर्ल्ड कैट ऑन ब्लू रे डिस्क इन विच ईयर। तो यहाँ क्वेश्चन सीधा सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि OCLC ने वर्ल्ड कैट जो है, एक यूनियन कैटलॉग है, उस यूनियन कैटलॉग को ब्लू रे डिस्क में किस ईयर में रिलीज किया था। तो 2008, 2009, 2010, ये 2011, ये चार ऑप्शन थे। तो ये जो OCLC को जो वर्ल्ड कैट का जो OCLC है, जिसे ब्लू रे डिस्क पर किया गया था, ये किया गया था 2008 में किया गया था, ठीक है, 2008 में किया गया था। और भी कुछ बातें जो जानना चाहिए आपको। 1996 में सबसे पहले डीवीडी रोम पर आया था ये, 1996 में डीवीडी रोम पर आया था। फिर 2000 में इसका स्ट्रीमिंग वीडियो वीडियो स्ट्रीमिंग किया गया था, और 2008 में इसे ब्लू रे डिस्क पर इसे लाया गया था, ठीक है। क्या हुआ था कि 1971 में लाइब्रेरियंस इन एल्डन लाइब्रेरी एट ओयो यूनिवर्सिटी एडेड द फर्स्ट बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड्स टू व्हाट वाज देन नोन एज द OCLC ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग। तो OCLC का जो ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग है, उसको किसके द्वारा किया गया, तो लाइब्रेरियंस इन एल्डन लाइब्रेरी, एल्डन लाइब्रेरी के लाइब्रेरियंस जो कि ओयो यूनिवर्सिटी में ही था, उसके द्वारा ये सबसे पहले OCLC ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग को सबसे पहले जो बिब्लियोग्राफिकल रिकॉर्ड जो तैयार किया गया था, उसी को OCLC ऑनलाइन यूनियन कैटलॉग कहा गया बाद में। और बाद में 1996 में डीवीडी रोम पर आया, 2000 में स्ट्रीमिंग वीडियो आया, और 2008 में ब्लू रे डिस्क पर आया, ठीक है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग सर्चिंग प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, राइट। इसमें से कौन है, जो चारों ऑप्शन में से कौन है जो एक सर्चिंग प्लेटफॉर्म है, ओके, सर्चिंग प्लेटफॉर्म है, और ये किसका सर्चिंग प्लेटफॉर्म कह रहा है। तो ये कह रहा है एकेडमिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन, यानी जहाँ पर रिसर्च जो भी पब्लिश होते हैं, जहाँ भी कोई भी एकेडमिक जो लिटरेचर है, रिसर्च पब्लिकेशन है, वो उसको सर्च करने का एक सर्चिंग प्लेटफॉर्म इसमें से कौन है, ये बताना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो रिसर्च गेट, तो रिसर्च गेट मैंने पहले भी चर्चा कर रखा है इसके बारे में, रिसर्च गेट के बारे में। तो रिसर्च गेट क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है रिसर्चर लोगों का। फिर मेंडले, मेंडले क्या है, एक टूल है साइटेशन रिफरेंसिंग करने का, एक टूल है मेंडले। एकेडमिया क्या है, एकेडमिया भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, और जिसमें बुक्स अवेलेबल है, जर्नल्स अवेलेबल हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर कुछ जो पब्लिकेशन है, जो रिसर्च पेपर्स हैं, वो अवेलेबल यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर जो यहाँ पर पूछ रहा था कि सर्चिंग प्लेटफॉर्म, एक नहीं सर्चिंग प्लेटफॉर्म, सर्चिंग टूल कौन है जो रिसर्च पब्लिकेशन को सर्च करता है। तो यहाँ पर है कौन, तो गूगल स्कॉलर है, ठीक है। आप जाकर सर्च करना गूगल स्कॉलर, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। तो ये जो गूगल स्कॉलर है, गूगल का ही बनाया हुआ है, जिससे पहली बार लॉन्च किया गया था नवंबर 2004 में किया गया था। और ये क्या है, फ्रीली एक्सेसिबल वेब सर्च है, यानी वेब सर्च इंजन है। जैसे गूगल पर हम सर्च करते हैं, उसी तरह एक जब किसी आर्टिकल को, किसी रिसर्च को सर्च करना पड़ता है, तो गूगल स्कॉलर का लोग मदद लेते हैं, ठीक है। तो ये एक स्कॉलरली लिटरेचर को सर्च करने का वेब सर्च इंजन है, जिसे 2004 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो चार ऑप्शन है, इसमें बताना है था कि इसमें से कौन है जो ह्यूमन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी एस इंफॉर्मेशन देने का काम कौन कर रहा है, एक ह्यूमन कर रहा है, एक इंसान कर रहा है, तो वो बताना था। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, पैटेंट अटॉर्नीज है, डेटाबेस वेंडर है, लाइब्रेरी कंसल्टेंट है, और प्रेस एंड मीडिया है। तो देखो, तो डेटाबेस वेंडर के बारे में मैंने बताया था। तो डेटाबेस वेंडर क्या होते हैं, तो वो जो जो डेटाबेस को स्टोर करते हैं, डेटाबेस मैंने बताया था इसके बारे में, अच्छे से बताया था डेटाबेस वेंडर के बारे में। तो जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, तो ये सब क्या है, एक डेटाबेस वेंडर है।
अगर मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल भी बताया था कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है, कि आप किसी भी डेटा को ज़्यादा ज़्यादा, अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है तो उस बड़े डेटा को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, डेटाबेस वेंडर के पास जाना पड़ता है, ऑनलाइन डेटाबेस वेंडर के पास जाना पड़ता है। उसके पास बहुत सारे स्टोरेज होता है और उस स्टोरेज से आप उसका यूज़ कर, पैसे देकर उसका यूज़ कर सकते हो, तो वो तो इन्फॉर्मेशन देगा नहीं। फिर आता है प्रेस एंड मीडिया। प्रेस एंड मीडिया एक इंफॉर्मेशन देने का जरिया तो है बट वो ह्यूमन सोर्स नहीं है। प्रेस एंड मीडिया एक ह्यूमन सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वे से भी हम लोग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं सोशल मीडिया जैसे। तो यहाँ पर ह्यूमन सोर्स के बारे में बताया गया, तो पेटेंट अटॉर्नी। तो पेटेंट अटॉर्नी क्या होता है, तो पेटेंट अटॉर्नी एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास एक स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है, और उस स्पेशल क्वालिफिकेशन से वो क्या करता है, वो कैसा क्वालिफिकेशन होता है, तो उसके पास होता है, चूंकि ये नाम है पेटेंट अटॉर्नी है, इसके पास पेटेंट लॉ की जानकारी होती है, पेटेंट को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, उसका जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को वो उसके बारे में उसके पास काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, और उसी इंफॉर्मेशन को वो प्रोवाइड करता है। तो वो जो पेटेंट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो कहलाता है पेटेंट अटॉर्नी। और यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी कंसल्टेंट है। तो लाइब्रेरी कंसल्टेंट एक इंसान होता है जो उसके पास कंसल्टेंट लेने के लिए जाना पड़ता है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है तो लाइब्रेरी कंसल्टेंट के पास आप जा सकते हो, अगर लाइब्रेरी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए और सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करा था, इसमें बताना था कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर द फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसमें कौन है जो फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। तो दो तरह के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है, एक फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। तो जो इनफॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसमें कुछ टाइप्स हैं, जैसे बिफोर एंड आफ्टर विदाउट कंट्रोल डिजाइन, आफ्टर ओनली विद कंट्रोल डिजाइन, बिफोर एंड आफ्टर विद कंट्रोल डिजाइन। तो ये तीन ऑप्शंस हैं। फिर फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, इसमें कम्प्लीटली रैंडमाइज डिजाइन, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, लैटिन स्क्वाड डिजाइन और फैक्टोरियल डिजाइन। तो ये चार है फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के और टाइप्स हैं। तो यहाँ पर वही पूछा था कि फॉर्मल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इसमें कौन है, तो रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन ये हो गया, लैटिन स्क्वायर डिजाइन ये हो गया, और फैक्टोरियल डिजाइन ये हो गया, यानी ए बी डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, फिर यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था सब्जेक्ट गेटवे के बारे में पूछा था कि इसमें से कौन है जो सब्जेक्ट गेटवे है। तो गेटवे के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, और अगर आप वीडियो मेरे रेगुलर देखते हो तो मुझे आपको ज़रूर पता होगा गेटवे के बारे में। तो यहाँ सब्जेक्ट गेटवे, तो सब्जेक्ट के जो ऐसा गेटवे जो स्पेशली किसी खास सब्जेक्ट के लिए होता है तो वो सब्जेक्ट गेटवे कहलाता है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन, चार ऑप्शन हैं। तो हाँ, जो सबसे पहले क्या बायोमी है, बायोमी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम का दिया गया है, और एक इन्फोपर्ट है जो कि इन्फ्लिपनेट के दिया गया है। तो ये दोनों क्या एक तरह के सब्जेक्ट गेटवे है, इसमें किसी खास सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। फिर एक यहाँ पर था इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी IPL2, एक IPL है एक IPL2 है, तो ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है। तो ये क्या है, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है, एक इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी है, एक नॉन प्रॉफिट एक वेबसाइट है, लार्जेस्ट स्टूडेंट रन वेबसाइट, स्टूडेंट के द्वारा चलाया जाने वाला एक वेबसाइट है, जिसको मैनेज किया जाता है ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा मैनेज किया जाता है। वहाँ पर जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, जो भी वॉलेंटियर्स लाइब्रेरियंस है, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं और उसका आंसर वहाँ प्रोवाइड करते हैं। और इसे जो ओपन किया गया था 17 मार्च 1995 में किया गया था, बाद में क्या हो गया, 1 जनवरी 2010 को इसे मर्ज कर दिया गया लाइब्रेरियंस इंटरनेट इंडेक्स के द्वारा के साथ, इसको मर्ज कर दिया गया। एंड आफ्टर मर्जिंग ये क्या हो गया, ये बन गया IPL 2 बन गया, IPL 2 बन गया, और बाद में इसे बंद कर दिया गया 30 जून 2015 को ये बंद कर दिया गया। तो ये था इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी IPL और IPL 2। और यहाँ LIS लर्निंग है, तो लाइब्रेरी साइंस लर्निंग है, तो ये सब्जेक्ट गेटवे ये नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बायोमी और इन्फोपोर्ट एक सब्जेक्ट गेटवे है। और फिर यहाँ क्वेश्चन क्या था, बुक मार्किंग वेबसाइट के बारे में बता पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बुक मार्किंग वेबसाइट के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये बहुत बार पूछा गया है बुक मार्किंग वेबसाइट के द्वारा के बारे में। तो बुक मार्किंग वेबसाइट क्या होता है, तो ऐसा वेबसाइट होता है जिसमें बुक मार्किंग करने की फैसिलिटी होती है। आप इसका एग्जांपल देखो, जैसे आप गूगल गूगल पर सर्च करते हो, तो गूगल में जो क्रोम ब्राउज़र है उससे आप जब सर्च करते हो, तो वहाँ पर एक, अगर आपको कोई वेबसाइट अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि बार बार उसका
जो URL है वो टाइप ना करना पड़े, तो आप उस URL को क्या करते हो, उस वेबसाइट को आप बुक मार्क कर लेते हो, मार्क कर लेते हो, और उसके बाद आप डायरेक्ट वहाँ से उसे क्लिक करके आप डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाते हो। तो वही कहलाता है बुक मार्क वेबसाइट, यानी वैसा वेबसाइट जो बुक मार्क करने का, मार्किंग करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसमें से कौन है जो ऐसा नहीं करता है, तो इसमें से ये जो revis.com है ये नहीं करता है। इसमें डेलीशियस है, डिगो है, और नेटबोज है, favis.com है, तो ये सब जो वेबसाइट्स हैं इनके पास ये फैसिलिटी है, ये सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, तो ये वेब पोर्टल है, इंजीनियरिंग का एक वेब पोर्टल है, हेल्थ का वेब पोर्टल है, या सोशल साइंस का सब्जेक्ट गेटवे है, या ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का सब्जेक्ट गेटवे है। तो इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट एक मॉलिकुलर बायोलॉजी डेटाबेस है, मॉलिकुलर बायोलॉजिकल डेटाबेस है, जो कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI के द्वारा चलाया जाता है, और NCBI एक पार्ट है NLM का, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन NLM जो है US का, यूनाइटेड स्टेट्स का, उसका एक पार्ट है NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। और क्या है, इट इज़ अ सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड एक्सेस टू न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन सिक्वेंस डेटा, जीन सेंटर, जीनोमिक मैपिंग इंफॉर्मेशन, 3D स्ट्रक्चर डेटा, पबमेड, मेडलाइन एंड मोर। ठीक है, तो ये सारी बातें इस पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि ये जो इंटरेस्ट है आखिर किससे रिलेटेड है। तो बिल्कुल ये हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात किया गया है, जीन सेंटर के बारे में बात किया है, बायोलॉजिकल डेटाबेस के बारे में बात किया गया है। सो इसका मतलब क्या होगा, फिर मेडलाइन भी है, पबमेड भी है, तो ये मेडिकल से रिलेशन रखता है, हेल्थ से रिलेशन रखता है। इसका मतलब क्या है, ये वेब पोर्टल है फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए ये क्या है, एक वेब पोर्टल है। ठीक है, फिर क्वेश्चन था कि फॉर्म द आइडेंटिफाई द कोर क्लासेस एज गिवन इन द वेबफ्रेम मॉडल। ठीक है, तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था FRBR मॉडल, FRSAR मॉडल, वेबफ्रेम मॉडल, FRSAD मॉडल, तो इस तरह के मॉडल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ फिर वेबफ्रेम मॉडल के बारे में पूछा गया था कि उसमें से कौन है, इसमें से जो भी ऑप्शन है कोर क्लासेस इसमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वेबफ्रेम मॉडल में तीन कोर क्लासेस होते हैं, वर्क होता है, इंस्टेंस होता है और आइटम होता है। वर्क, इंस्टेंस और आइटम होता है, ये तीन मेरे कोर क्लासेस है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी कोर क्लासेस होते हैं जो इससे, ये जो तीन हिस्से रिलेशन रखते हैं, तो ये कौन है, एजेंट से, सब्जेक्ट से और इवेंट से। तो इसमें से वही था ऑप्शन में, एजेंट था, इवेंट था और सब्जेक्ट, तो ये तीनों क्या है, वेबफ्रेम के कोर क्लासेस हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर वॉज इन्वेंटेड बाय, टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर है ये जो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर था SFB मॉर्स, इवाइल बाउडोथ, ग्राम बेल और कोनार्ड जोसेफ। तो जो टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर के जो इन्वेंटर थे वो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था जीन मॉरिस इमाइल बाउडोट, यानी बाउडोट के द्वारा ये टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर इन्वेंट किया गया था। ये एक फ्रेंच टेलीग्राफ इंजीनियर थे, ठीक है, टेलीग्राफ इंजीनियर थे, और इन्होंने इन्वेंट किया था पहली बार फर्स्ट मीन्स ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन, बाउडोट कोड। इन्होंने बाउडोट कोड को भी इन्वेंट किया था, और ये एक वॉज वन ऑफ द पॉइनर ऑफ टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन के बहुत बड़े नाम कहलाते हैं। और इन्होंने इन्वेंट किया था मल्टीप्लेक्स प्रिंटिंग टेलीग्राफ, और बाद में, और इन्होंने ही जो एक कोड किया था उस कोड का नाम था बॉडर कोड था। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है कि टेलीग्राफ मल्टीप्लेक्सर वो कौन है, इमाइल बॉडर। और फिर यहाँ एक क्वेश्चन है कि एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में क्वेश्चन है कि अरेंज द एक्सपर्ट सिस्टम इन द डेयर असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट। तो जैसे जैसे असेंड डेवलपमेंट होता गया एक्सपर्ट सिस्टम का, उसके डेट के अनुसार, उसके ईयर के अनुसार, तो वहाँ पर इसे अरेंज करना था। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ड्रेंडल, तो ड्रेंडल एक एक्सपर्ट सिस्टम है जो कि 1960 में आया गया था, और इसका जो प्राइमरी एम था वो था स्टडी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन एंड डिस्कवरी इन साइंस। तो जो भी हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करने का, जो भी स्टडी था, जो भी साइंस पर डिस्कवरी हो रहे थे उसका जो स्टडी था उसको देखने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड एक एक्सपर्ट सिस्टम बनाया गया, जिसका नाम था डेंड्रल, 1960 में किया गया था। दूसरा क्या था, दूसरा आते हैं माइसीन है, एक एक्सपर्ट सिस्टम है, ये भी AI बेस्ड है, और ये इसका जो काम है वो ट्रीटिंग ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन के ट्रीटिंग में इसका यूज़ किया जाता था एक एक्सपर्ट सिस्टम को, और 1972 से ये काम कर रहा था माइसीन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से माइसीन
ये कर रहा था। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक मेडिसिन आती है, एक दवा आती है सोफ्रामाइसिन नाम की, जो एक क्रीम होती है, एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, जलने कटने छिलने पर उसे लगाया जाता है। तो यानी वो क्या है, एक मेडिकल सिरिलेशन रखता है, ब्लड सिरिलेशन, ब्लड इन्फेक्शन। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हो, ब्लड इन्फेक्शन के लिए जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो माइसिन है, ओके ना। फिर एक आता है प्रॉस्पेक्टर, तो ये प्रॉस्पेक्टर है, ये एक भी AI बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम है, और ये खासकर काम करता है US जियोलॉजिकल सर्वे टू एड जियोलॉजिस्ट इन मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम किसके लिए, तो जियोलॉजिस्ट के लिए एक्सपर्ट सिस्टम है, और इसे बनाया गया था 1976 में बनाया गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्या कि यहाँ पर 1986 में आंसर मैन, आंसर मैन नेशनल एग्रीकल्चर लाइब्रेरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA ने एक डेवलप किया एक्सपर्ट सिस्टम जिसका नाम था आंसर मैन, और ये बहुत ही फेमस है, शायद आपको पता भी होगा। फॉर असिस्टिंग इन द आंसरिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू वाइड वैरायटी ऑफ रेफरेंस बुक्स एंड अदर रेफरेंस मटेरियल्स इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। तो आंसर मैन है वो एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट सिस्टम है, और जिसमें अलग अलग वैरायटी के जो भी रेफरेंस बुक्स है, जो भी रेफरेंस मटेरियल है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी रेफरेंस बुक्स है, जो रेफरेंस मटेरियल्स हैं, उनके वैरायटी को प्रोवाइड करने के एक्सपर्ट सिस्टम है जिसका नाम है आंसर मैन, 1986 में आया था, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लो, पैराडेंड्रल, माइसिन, प्रोस्पेक्टर एंड लास्ट वन इज आंसर मैन, ओके। तो दोस्तों थैंक्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, थैंक यू सो मच अगेन।